मेरा नाम रमेश कुमार है जी, मैं गांव मैनमती में रहता हूँ जी और जिला करनाल है जी। पेशे से मैं एक किसान भी हूँ जी और मैंने फार्म लाइन की 3 साल से फार्म लाइन की मशीन ले रखी है जी, जो बहुत बढ़िया चल रही है जी और बहुत कम खर्चे में चल रही है जी। अब मेरा बढ़िया कमाई हो रही जिससे पहले मेरे पास जी दूसरी मशीन थी, मतलब दूसरी कंपनी की मशीन थी और उसमें बड़ा खर्चा हुआ था जी। कभी उसके हिड्रा वाले गेयर ख़राब, कभी कुछ ख़राब, पीछे से कटाई कटाई नहीं होती, हमारा सारी बेर मिस्त्रियों के पास जाना आना लगे रहा हुआ था, बेकार मशीन थी जी। फिर उसके बाद हमने फार्म लाइन मशीन ली, इस मामला बच गया। हमारे को दुकानदार पूछते हैं जी आप ये कहाँ से ले रहे हो जी, हम वो इसका तो कुछ टूट दे नहीं सामान। और जी फिर हमने अपना यह फार्म लाइन की मशीन ले जी और इससे हमारा एन बढ़िया काम चल रहा है। हम बच्चों की पढ़ाई पे एन बच्चे पढ़ रहे, खुश हैं बच्चे, हम भी घर में खुश हैं सब के सब भाई। जब से हमारा मशीन आई हमारा एन अच्छी बरकत तेरी। और जी ये मशीन हमारी बाग वाली मशीन है जी। देखो जी किसान को जो है ना अपनी खेती से मतलब होना चाहिए, खेती बड़ी होगी, मशीन काटने वाली बढ़िया होगी तो सारा काम बढ़िया होगा, किसान अपना खुशहाल होगा। देखो जी मैं अब आपको अपनी मशीन दिखाता हूँ। 3 साल हो गए जी मशीन लिए को और बिल्कुल नई की नई पड़ी है, नाज बिल्कुल साफ काटती है जी और बहुत बढ़िया कटाई करती है जी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती मशीन में और बहुत बढ़िया लोहा है जी, बिल्कुल नई की नई पड़ी है। 3 साल हो गए, कोई कह नहीं सकता भाई ये बिल वो हो गया, कतई नई मशीन पड़ी है। इसका दाने का टैंक बहुत बड़ा और इसका डीजल टैंक भी बहुत बड़ा है जी, इसमें मतलब बार बार डीजल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। और एक मेन बात जी, इसमें स्टपनी दे रखी जी, वो कभी पंचर हो जाए कहीं खेत खात में कम से कम स्टपनी बल तो ले, नहीं कोई कंपनी वाला स्टपनी नहीं देता, इन्होंने स्टपनी जरूर दे रखी मशीन के साथ। धन्यवाद जी।